ट्राई करने वाले हैं जो कि कोई सोचता भी नहीं है। अरे बाबा गाइस, आज हमारे पास यहाँ पर है बहुत सारा पानी। आई डोंट बिलीव दिस। और हम आज एक ऐसी बोट बनाने वाले हैं, ऐसी नाव बनाने वाले हैं जो कि ना पेट्रोल से चलती है, ना डीजल से चलती है, ना बिजली से चलती है। वो जो बोट है वो चलेगी हवा से गाइस। और उसके लिए बहुत सारा सामान भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम हमारे इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप लोग हमारी इस कोशिश के लिए लाइक का बटन जो नीचे है वो जरूर से दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपन बनाते हैं गाइस हवा से चलने वाली बोट। दोस्तों आइडिया कुछ ऐसा है कि जब भी कोई चीज हवा को आगे फेंकती है तो वो जो चीज है वो खुद भी पीछे जाती है, जैसा कि प्लेन्स के साथ होता है। जब प्लेन आसमान में उड़ता है तो उसका जो इंजन है वो हवा को बहुत तेज पीछे फेंकता है और प्लेन बहुत तेज आगे जाता है। ये पंखे जो है ये हवा को फेंकेंगे और हो सकता है कि वो जो हवा आगे जाएगी वो हमारी बोट को पीछे पुश करेगी। बोट जो है गाइस वो है यहाँ पर, ये इन्फ्लेटेबल बोट, तो इसको फुलाएंगे। और हमने कई जुगाड़ और भी बनाया गाइस, ये वाला एक जुगाड़ जो है जो कि हमने कस्टम बनाया है जो कि इसके अंदर काम आएगा। इस छोटी सी बोट को आप कहीं भी ले जा सकते हो और जब इसमें हवा भरेंगे तो भाई ये फुल साइज की बोट बन जाएगी 3-4 लोगों के लिए। भाई जो बोट है उसको अभी हमने आधा फुलाया है क्योंकि उसके बाद में हमारा ये जो सिस्टम है इसके अंदर फिट नहीं होगा, क्योंकि इसके बिना इसको बनाना गाइस संभव नहीं था। भाई जो सिस्टम है वो फिट हो चुका है, अब इसके अंदर और हवा भरते हैं। भाई पंप दे दो। भाई अब जो सिस्टम है वो पूरा तैयार है, आप लोग देख सकते हो जो बोट है वो कुछ ऐसी दिखने लग गई है। अब इसके ऊपर जो पंखे हैं वो कसते हैं। भाई उठाओ भाई तीनों पंखे, और तीनों पंखों का सबसे पहले उल्टा करके गाइस इनके जो बोल्ट है ये खोलने पड़ेंगे। भाई पंखे का स्टैंड हट चुका है और अब ये जो पंखा है ये कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। गाइस जो बोल्ट है वो भी हमें बड़े लेने पड़ेंगे क्योंकि पंखे के ओरिजिनल बोल्ट छोटे थे और यहाँ पर हमें बड़े की जरूरत है। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो इसके अंदर डाल दिया है, अब नीचे एक वॉशर लगाऊंगा और इसको टाइट कर दूंगा। गाइस जो पंखे हैं वो तीनों जुड़ चुके हैं बोट के अंदर। अब इसके अंदर पावर के लिए हमको रखनी पड़ेगी एक बड़ी बैटरी, और ये जो बैटरी है बहुत देर तक इन तीनों पंखों को चला पाएगी। 140 वॉट का जो है एक पंखा है, तो तीनों पंखे जो है उनको पावर ये बैटरी देगी, लेकिन बैटरी नहीं देगी, इसके साथ में एक इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा भाई, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है छोटा सा, ये इन्वर्टर भी इसमें रखेंगे। और सोचो गाइस ये सारा सामान इस बोट के अंदर रहेगा। अब कनेक्शंस करते हैं, उसके बाद में बोट को रेडी करते हैं। भाई इन्वर्टर और बैटरी का सिस्टम भी रेडी है। इन्वर्टर को मैं पीछे फिट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। ये मैंने किया इसको ऑन। दोस्तों अब जो पूरा सिस्टम है वो यहाँ पर तैयार है, तीन पंखे लग चुके हैं और जो डिजाइन है ना वो फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है गाइस एकदम। और गाइस एक खास फीचर ये भी है कि हम इन पंखों की लेंथ जो है उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस पंखे को और आगे लाना है तो गाइस मैं कुछ इस तरीके से इसको लंबा भी कर सकता हूँ अगर जरूरत पड़े तो। तो अब गाइस इस बोट को उतारते हैं पानी में और देखते हैं क्या काम कर पाता है, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी टेस्टिंग हो जाए। गाइस करें टेस्टिंग? चलो चलो चलो, एक बटन दबाऊंगा अगर काम किया तो गाइस मजा आ जाएगा। तो दबाते हैं 3-2-1 गो। पंखे चल गए सारे, फुल कर देता हूँ स्पीड। भाई साहब, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? गाइस तीनों पंखे चल रहे हैं फिलहाल और इसमें कुछ बाहर से कोई बिजली देने की जरूरत नहीं है, सारा सारा जो सिस्टम है इसके अंदर है। और मेरी जो आवाज है गाइस वो एलियन जैसी हो जाती है यहाँ पे आते ही, बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, क्या हो गया? चले दोस्तों अब बोट तैयार है पानी में उतारने के लिए। आप लोग देख सकते हो भाई जो नाव है उसमें पंखे यहाँ पर लग चुके हैं और भाई क्या फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ गई है इसके अंदर। तो भाई अब बारी है इस बोट को पानी में उतारने की, क्या लगता है तुमको उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी ये बताओ। दोस्तों हमारी ये एयर पावर बोट काम करेगी या नहीं ये तो टेस्टिंग में पता चलेगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बतानी थी इसीलिए बीच में रोका है। दोस्तों अनअकैडमी लेकर आ रहा है अनअकैडमी आरएम 2024 जो कि नीट यूजी और आईआईटी जेई का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। इस इवेंट को होस्ट करेंगे करण जौहर और बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे कि कार्तिक आर्यन वहां पर होंगे, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा होंगी, बिजनेस लीडर अनुपम मित्तल होंगे, इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स होंगे और इस इवेंट में मैं भी जा रहा हूं। दोस्तों ये इवेंट होगा बैंगलोर में 7 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, और खास बात ये है कि आप लोग भी इस इवेंट को लाइव देख सकते हो यूट्यूब, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। दोस्तों यहां पर आप सोचेंगे
है कि हमारे लिए क्या है इसमें, तो आपके लिए खास चीज ये है कि इस इवेंट में 4 बड़े रिवील्स भी होने वाले हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके नोटिफाई मी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप मिस ना करें इस इवेंट को। आपसे मिलते हैं लाइव 7 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से 3 बजे। अरे उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी बताओ, तैरेगी दौड़ेगी पानी पे? चलो गाइस देखते हैं कि ये तैरती है दौड़ती है फिर उड़ती है। उतारो इसको पानी में। चलो भाई 2 लोग बैटरी उठाएंगे, भाई ये सिस्टम बहुत हैवी हो चुका है, 2 लोग उठाएंगे बैटरी, हम 2 लोग उठाते हैं पंखा, और इसको एकदम से मत दे देना नहीं तो पूरा चला जाएगा ये अंदर गई। ओ भाई डूब ना जाए। अरे रुक जाओ मैं भी जाता हूँ। गाइस जो बोट है वो आधी पानी में जा चुकी है, चप्पल निकाल देता हूँ और मैं भी जाता हूँ गाइस इसके अंदर। जय बजरंगबली, मैं जिंदा सही सलामत वापस आ जाऊं इसके अंदर से, बस यही दुआ करना मेरे दोस्तों। बस ओ भाई ओए यार मैं एक चीज सोच रहा हूँ, इसमें कितना वजन है, कम से कम 70-80 किलो तो इस बैटरी के अंदर वजन है। ये बैटरी से झुक गई, बैटरी से झुक गई है। रुको एक चप्पू दे दो मेरे को यार, जैकेट जैकेट यार दे दो भाई। गाइस सेफ्टी के लिए एक लाइफ जैकेट भी ले रहा हूँ, अगर कुछ गलत स्थिति पैदा हो गई तो उसके लिए यहाँ पर रख लेता हूँ। अरे यार ओए भाई इसमें बैटरी बहुत हैवी है, बोट आगे नहीं झुक रखी कुछ, ये वॉलेट रख लो मेरा भाई, डूब गया तो कम से कम मेरे ATM और क्रेडिट कार्ड तो बच जाएंगे यार। पासवर्ड है 1435। धक्का दे दो यार अंदर जाता हूँ मैं। गाइस अब जो है इस बोट की करेंगे टेस्टिंग, मैं आ गया हूँ पूरा पानी में, फिर करूँ क्या बटन ऑन? अरे मैं गोल गोल क्यों घूम रहा हूँ यार। भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ इस बोट के अंदर, क्या हुआ ऑन करते हैं इसको और देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। तो जो बटन है ओए ऑन कर रहा हूँ पहली बार इसके अंदर, और गाइस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अभी। यहाँ पे ये बटन है इसको करूंगा ऑन, और गाइस पंखे चल चुके हैं फिलहाल तीनों के तीनों पानी के अंदर, ये देखो स्पीड पकड़ रहे हैं अभी भाई। चल रही है कि नहीं? अरे चल रही है। पंखों की मदद से ये पंखे चल रहे हैं अभी, इसमें फोन में कम जो है चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये बोट जो है ना देखो भाई चल रही है, इधर जा रही है अभी, इधर जा रही है देखो, ये जा रही है देखो गाइस मैं कुछ नहीं कर रहा और आप लोग देख सकते हो बोट जो है वो पंखों की मदद से जो मूवमेंट कर रही है। मेरी आवाज थोड़ी सी अलग ही आ रही है तो उसकी टेंशन मत लेना भाई, अभी मैं चप्पू से इसको थोड़ा सही चलाने की कोशिश करता हूँ। अरे कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है ना, यानी कि वो ज्यादा प्रेशर दे रहा है यार। तीनों की तीन पे ही है यार रफ्तार, तो कर दो एक की। अगर इसको बंद कर दूं तो क्या होगा? एक का बंद कर दिया, बोट ऐसे घूमने लग गई गोल गोल। और इसको भी बंद कर दूं तो भाई ये चीज इतना मस्त तरीके से काम करेगी मैंने तो नहीं सोचा था। अब एक पंखा चल रहा है और आप लोग देख सकते हो एक पंखे की मदद से जो है किस तरीके से घूम रहा है। अगर मैं दूसरा चला दूंगा तो इसका घूमना रुक जाएगा भाई, अगर इस वाले को बंद कर दूं तो उल्टी साइड में घूमने लग जाएगी। क्या देखो गाइस अब जो है उल्टी साइड घूमने लग गई। वाह भाई सोचो इसमें कोई चप्पू नहीं चल रहा, कोई पानी के अंदर वो जो प्रोपेलर होता है वो नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ पंखे चल रहे हैं और मैं पंखे की दम पे घूम रहा हूँ। गाइस अब मैंने चप्पू ले लिया है ताकि मैं इसकी दिशा को थोड़ा कंट्रोल कर पाऊँ। बस रुको उधर ही आता हूँ, चप्पू चलाऊंगा नहीं मैं, सिर्फ इसकी जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करूंगा। बस चल रही है क्या? Yes! थोड़ी सी दिशा कंट्रोल करते देखो गाइस क्या हुआ है। बस मैं इस बोट को सीधा कर रहा हूँ चप्पू से और कुछ भी नहीं कर रहा, और देखो गाइस इन पंखों की मदद से हमारी जो बोट है गाइस वो चले जा रही है एकदम मस्त। ओ भाई हवा की मदद से, सोचो हवा की मदद से चल रही है, मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा। ओ वाओ गाइस ये बहुत मस्त फील हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। अपने आप चल रही है भाई, अब मैं दूसरे किनारे पर पहुंच गया हूं, ये देखो कितना तेज। भाई ऐसी बोट में बैठा हूं जो कि हवा से चल रही है और स्पीड भी कम नहीं है भाई। दोस्तों मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था पूरे सिस्टम को ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं, और अब जो है वापस से चालू करते हैं। यहाँ पे है इसका स्विच, ये रहा, ऑन करते हैं और गाइस ऑन करते हैं वापस से जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चालू हो जाता है और मैं अब जाऊंगा आगे की तरफ। भाई जो बोट है वो चल रही है एयर के पावर पे, इससे मैं जो है बस थोड़ा सा दिशा जो है उसको कंट्रोल कर देता हूँ ताकि जो बोट है वो इधर उधर ना भागे जैसे कि ये मैंने किया। लेकिन जो बोट को खींचने में जो ताकत लगती है गाइस वो जो है मुझे नहीं लगानी पड़ रही है बिल्कुल भी। भाई अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा और जो बोट है
वो चल रही है आगे। अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे खींच के कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ऑपोजिट साइड में पुश कर रहा हूँ लेकिन बोट जो है स्टिल वो आगे ही चल रही है भाई। जब मैं चाहूँ तो बोट को बंद कर सकता हूँ और चाहूँ तो कुछ इस तरीके से चला सकता हूँ पावर को। अब देखना गाइस अपने आप जो बोट है वो चलेगी, मैं कुछ नहीं कर रहा। और ये चलना हो गई है स्टार्ट, इधर घूम रही है। थोड़ा सीधा कर देता हूँ चप्पू लगा के। इसकी स्पीड बहुत तेज चल रही है भाई साहब। वाओ गाइस ये है असली मजा भाई साहब, मजेदार मजेदार भाई। बहुत अजीब सा लगता है कि अपने आप चल रही है और इसके अंदर कोई वो चीज भी नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई इंजन विंजन वगैरह भी कुछ नहीं है और मुझे कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी। नहीं तो इतना बोट चलाने में तो भाई इंसान थक जाता है, लेकिन मुझे कोई ताकत इसमें नहीं लगानी पड़ी। अब गोल गोल घूमेगी गाइस बोट, पूरी धरती घूम रही है गाइस। और यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको भी कि ये गोल क्यों घूम रही है, क्योंकि पंखा हवा को एक साइड से पुश कर रहा है। चप्पू वाला जो काम है ना वो पंखा कर रहा है अभी फिलहाल। अब इसका घुमाना रोकते हैं, मैंने जैसे पंखे को ऑन किया अब इसका घुमाना रुक जाएगा गाइस। और अब मेरा सर भी घूमने लग गया क्योंकि कई देर से गोल गोल घूम रही थी बोट। और मैं गहरे पानी में जाऊंगा, उधर जा रहा हूँ मैं, ठीक है? जाओ, मगरमच्छ भी है उधर। मगरमच्छ को तो देख लूंगा मैं कम मगरमच्छ हूँ क्या उससे? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चल भाई बोट सीधी हो जा, अब चलेंगे गहरे पानी में। भाई जो बोट है वो चल रही है इन पंखों से, और आप देखो बस मैं इससे स्टीयरिंग कर रहा हूँ इसकी। अब जैसे ये बोट इधर घूम रही है तो मैं थोड़ा सा चप्पू या तो इधर मार दूंगा या बस अपने चप्पू को रोक लूंगा। वो टकरा गई भाई, बोट जो है वो किनारे पे आ गई और अपने आप ही वहां से दूर भी आ गई क्योंकि पंखे जो है वो पीछे से पुश कर रहे हैं इसको। घंटे चलाने के बाद मैंने बोट को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दिया है और अभी जो है आप लोग देख सकते हो शांति से बैठे हैं। पंखे जो है वो ठंडे हो रहे हैं भाई, हालांकि मुझे लगता नहीं है गर्म हुए होंगे। और मैंने अपनी पोजीशन बदल लिया, मैं बैठा हूँ यहाँ पे यानी कि बैटरी के ऊपर, और ये ड्रोन वाला जो है इधर उधर भागा ले जा रहा है भाई। देखो मैं बैटरी के ऊपर बैठा हूँ, ये सिस्टम है फिलहाल अंदर, और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली अपने चप्पू को या तो इधर रखना है या इधर रखना है ताकि जो बोट के। अरे क्या कर रहा है यार, कैसे लेके जा रहा है? अरे उड़ जाएंगे मेरे बाल यार इससे। अरे कौन है ये, लग जाएगा ये ड्रोन मेरे ही। चल गया भाई, मैंने चला दिया इसको गाइस, और अब जो है थोड़ा सा मजा और लेते हैं भाई। दोस्तों अब मैंने बोट बहुत चला ली है, अब मैं इसके अंदर बैठ गया हूँ और ये जो है अपने आप चल रही है भाई। मैंने वहां से शुरू किया था, मेरे को अपने आप यहाँ तक लेके आई है। बोट के अंदर उल्टा खड़ा हूँ और आप लोग देखो जो पंखे वो ऐसे दिख रहे हैं और बोट अपने आप घूम रही है भाई बहुत देर से, क्योंकि पंखे जो है वो चालू है। लेकिन अब मैं जाता हूँ किनारे पर और उन लोगों को मौका देता हूँ जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं गाइस अपनी बारी का, ताकि वो भी इस बोट का आनंद ले पाए गाइस। और वापस आ रहा हूँ। अरे बस तो जंग थोड़ी जीत ली भाई। ओ भाई साहब, तो गाइस एक से डेढ़ घंटे का लंबा चौड़ा सफर करके हवा के दम पे इस पूरे जोहड़ में घूम करके मैं आ चुका हूँ वापस। और भाई मैं सही बताऊँ हर बार जब भी बोट वगैरह चलाते ना थक जाते हैं भाई ढंग से, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग थके नहीं हैं, क्योंकि मेरे पीछे ये जो पंखे हैं ये सारा पुश कर रहे हैं, बस मेरे को तो ऐसे कभी कभी घुमाना पड़ता है बोट को। और गाइस ये मैं आ गया हूँ किनारे पर भाई साहब। ये अरे खींच 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 कर तार, ये जो सिस्टम है क्या मस्त तरीके से काम करता है यार। हवा से जो है हमने बोट चला दी गाइस आज पहली बार। ऐसे जो बोट्स है गाइस वो
बहुत पहले वर्ल्ड वार 2-3 के टाइम पे इजाद करी गई थी। पंखे लगाते थे, पंखा धक्का मारता था और जो प्लेन है वो जहाज जो है वो गाइस पीछे की तरफ जाता था। ऐसे जो एयरक्राफ्ट थे वो पहले यूज भी होते थे, अभी इनका यूज नहीं किया जाता। लेकिन ये चीज हमने आपके सामने साबित करके दिखा दी है कि जो हवा है वो किसी चीज को पुश कर सकती है, नाव को भी चला सकती है भाई। और इतना मजेदार एक्सपीरियंस रहा भाई, मैं थका नहीं। और डिजाइन क्या फ्यूचरिस्टिक सा लगता है कि गाइस फ्यूचरिस्टिक सा लगता है गाइस, नहीं तो कई लोग कहेंगे क्या बोल गए भाई, कौन ट्राई करेगा। दो जाएगा केक, दो में कद रह जाएगा भाई। अब जा रहे हैं दुनिया के सुप्रसिद्ध मछुआरे, इसमें गाइस कोई मगरमच्छ नहीं है। सोचो गाइस इस तालाब में मगरमच्छ होता तो कितना मजा आता इसके अंदर। भाई ये दो लोग बैठ गए इसमें, हालांकि मुझे लगता नहीं कि दो लोगों के बैठने का सिस्टम इसमें था। किधर जाएगी बोट? पता नहीं, जिधर भी जाएगी अपने आप लेके जा रहे हैं भाई, अपने आप चल रही है देखो। और हवा जो है वो इसको धक्का मार रही है। ऐसी बोट कभी नहीं देखी भाई, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। चप्पू क्यों चलाना है फिर? लाइफ जैकेट है ना इसमें? भाई साहब इसमें आवाज भी नहीं आती, इंजन वाली जो बोट्स में होती है ना इसके अंदर तो बस पंखे घूमने की आवाज आती है। तो अब इन लोगों को चलाने देते हैं, इनको थोड़ा सा मजा लेने देते हैं। भाई साहब हर बार जब बोट चलाते हैं ना तो ऐसे चप्पू मारना पड़ता है बहुत जोर जोर से, जब खिसकती है। गाइस ये जो है इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जो है गोल गोल घूमती है भाई। गाइस अगर आपको मजा आया हमारे इस आइडिया में, अगर आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिला तो भाई इस वीडियो के लिए लाइक करना जरूर से बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। नीचे जो है एक सब्सक्राइब का बटन है भाई, दबा लो प्लीज, अपनी क्रेजी आर्मी में शामिल हो जाओ। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। भाई जो पुराने मछुआरे हैं जिन्होंने ये बोट इजाद करी है वो बता रहे हैं कि इसको ऐसे चलाना है, जब चलती है तो बहुत अजीब सी लगती है लेकिन भाई मजेदार है।